अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है थ्री फेज सर्किट्स में। टॉपिक है हमारा आज के लिए थ्री फेज एसी की इंटरकनेक्शन कैसे की जाती है, और थ्री फेज एसी में थ्री वायर सिस्टम कैसे बन जाता है, और फोर वायर सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक का कंसेप्ट देखना चाहते हैं कि हमारे पास थ्री फेज इंटरकनेक्शन से क्या मुराद है। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि थ्री फेज एसी जो है वो हमारे पास तीन फेज वायर पर मुश्तमिल होता है या तीन गर्म वायर पर मुश्तमिल होता है। एक होता है रेड, येलो एंड ब्लू, या ए बी सी, या लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री एंड सो ऑन। वो मैंने मुख्तलिफ नाम बताए थे आपको। अब जब इनकी हम इंटरकनेक्शन करते हैं कहाँ पर, लोड्स में। लोड आपका क्या हो सकता है, आपका कोई मोटर हो सकता है थ्री फेज, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई है तो डेफिनेटली थ्री फेज मोटर को हम देंगे। इसी तरह हमारे पास जनरेटर हो सकता है, जनरेटर के साथ भी हम थ्री फेज सिस्टम इसी सिस्टम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड आपके पास है जनरेटर्स, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर। अब इन तीन वायर्स को हम इनके साथ, इनमें किसी भी एक ऑप्शन के साथ हम जोड़ेंगे तो हम कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो मोटर हो या जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, अगर आप तीन वायर जोड़ेंगे, सीरीज़ में जोड़ेंगे या पैरेलल में, क्वेश्चन बनता है ना। तो इसमें ना सीरीज़ होता है ना पैरेलल, इसका स्पेशल कनेक्शन स्ट्रक्चर होता है। तो वो दो तरह के कनेक्शन होते हैं आपके पास थ्री फेज के लिए, दो तरह के इंटरकनेक्शन होते हैं। या तो आपके पास होगा स्टार, या होगा डेल्ट। स्टार की तरतीब को हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं, और डेल्टा हमारे पास इस शेप का होता है। अब दोनों की वाइंडिंग कैसे कैसे नजर आएगी, अब वो हम देखना चाहते हैं। उसके साथ मैं इसको इंटर कनेक्शन करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन का आप ये याद रखें कि स्टार कनेक्शन इज़ यूज्ड इन टू प्लेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर्स, थ्री फेज एसी जनरेटर्स, सेकेंडली ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग के ऊपर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दो टिपिकल लोकेशंस है जहाँ पे स्टार कनेक्शन का यूज़ होता है। स्टार कैसे होता है, जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, उसमें तीन वाइंडिंग होती है थ्री फेज के लिए। एक वाइंडिंग, इसी तरह दूसरी वाइंडिंग, और ये तीसरी वाइंडिंग। तो ये हमने तीन वाइंडिंग को वाई शेप में या स्टार शेप में कनेक्ट कर दिया है। स्टार की तरतीब ये होती है कि वाइंडिंग नंबर वन, वाइंडिंग नंबर टू और वाइंडिंग नंबर थ्री को ऐसे हम आपस में और सप्लाई वायर के साथ इंटरकनेक्ट कर लेते हैं कि इनके एक एक सिरे तो हम क्या कर लेते हैं, वायर्स के साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ रेड, दिस इज़ येलो, लेट्स सपोज दिस इज़ ब्लू। अब वाइंडिंग के जो अगले सिरे हैं, मतलब द सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट वाइंडिंग, द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द सेकेंड वाइंडिंग एंड द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द थर्ड वाइंडिंग, उनको आपस में शॉर्ट कर लें। तो ये इंटरकनेक्शन आपके पास स्टार इंटरकनेक्शन कहलाता है। तो ये आपने इसी तरतीब से बताना है कि स्टार में क्या होता है, वाइंडिंग एक तरफ, तीनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट होते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास जो रिस्पेक्टिव लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल रेड लाइन, येलो लाइन और ब्लू लाइन, या लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री के साथ कनेक्टेड होती है। इसके मुकाबले में कुछ लोकेशंस पे हम डेल्टा यूज़ करते हैं। तो डेल्टा कहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है, डेल्टा की टिपिकल एप्लीकेशन है थ्री फेज एसी मोटर्स के ऊपर और कुछ ट्रांसफार्मर में। तो ये दो टिपिकल एप्लीकेशन है डेल्टा की। अब डेल्टा आपके पास ऐसे ट्रायंगुलर शेप होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शक्ल का, तो उसकी वाइंडिंग ऐसे कनेक्टेड होती है। फर्स्ट ब्रांच की वाइंडिंग फॉर एग्जांपल, सेकंड ब्रांच की वाइंडिंग और थर्ड ब्रांच की वाइंडिंग।
तो वाइंडिंग को ऐसे इंटरकनेक्ट, मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट वाइंडिंग है, तो डेफिनेटली इसका फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल, इसका फर्स्ट सेकंड, तो मतलब पहले वाइंडिंग का सेकंड टर्मिनल सेकंड वाइंडिंग के पहले टर्मिनल के साथ मिला लेते हैं, सेकेंड वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल थर्ड वाइंडिंग के पहले टर्मिनल एंड लास्ट वाइंडिंग यानी कि थर्ड वाइंडिंग का सेकेंड टर्मिनल फर्स्ट वाइंडिंग के पहले टर्मिनल। अब इनके जो कॉर्नर है वहाँ पे हम सप्लाई लाइन कनेक्ट करते हैं, 1 2 3। तो ये हमारे पास तरतीब है, ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको ब्राइट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 3 वायर की इंटरकनेक्शन है 3 फेज एसी सप्लाई के साथ डेल्टा शेयर में। तो ये दो तरह की इंटरकनेक्शन हो सकती है, जनरेटर में ट्रांसफार्मर है या मोटर। अब उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है कि वो इससे हम 3 वायर सिस्टम कैसे बनाते हैं। 3 वायर सिस्टम तो ये दोनों बन गए ना, मतलब 3 वायर सिस्टम आपके पास वो सिस्टम है इंटरकनेक्शन के बाद जिसके साथ 3 वायर कनेक्टेड हो। अब ये ना डेल्टा के साथ भी 3 वायर कनेक्टेड है, स्टार के साथ भी 3 वायर कनेक्टेड, वायरिंग कनेक्टेड। तो हम कह सकते हैं कि 3 वायर सिस्टम बनाने के लिए आप स्टार को भी यूज़ कर सकते हैं कनेक्शन को, और डेल्टा को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके सामने कि कहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाता है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड मोटर। 4 वायर सिस्टम कैसे बनता है, 4 वायर सिस्टम के लिए आपके पास कोई जगह होनी चाहिए। या डेल्टा में देख ले, डेल्टा में आपके पास 3 कॉर्नर्स है जहाँ पे आप लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, लाइन नंबर 1, लाइन 2, लाइन 3 फॉर एग्जांपल। अब मैं 4th वायर यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँ, न्यूट्रल बनाना चाहूँ, तो मैं डेल्टा में नहीं बना सकता। तो 4th वायर, 3 वायर तो आपके गर्म होंगे, फेज वायर होंगे, लेकिन 4th वायर आपको क्या होगा, न्यूट्रल वायर होगा। अब न्यूट्रल वायर हम कैसे बनाएंगे, डेल्टा में 4 वायर का कंसेप्ट नहीं है। 4 वायर बनाने के लिए आपको स्टार यूज़ करना पड़ता है, तो स्टार के 3 कनेक्शन रेड, येलो, ब्लू तो कंफर्म हो गए। अब 4th न्यूट्रल कहाँ से आपने लेना है, जो तीनों का इंटर कनेक्शन पॉइंट स्टार में, वहाँ से आप एक 4th वायर ले लेंगे। दिस 4th वायर इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। सो ये 4 वायर सिस्टम बनाने के लिए लाजमी है कि आपकी वाइंडिंग की इंटर कनेक्शन स्टार कनेक्शन में, स्टार सर्किट में हो, वाई कनेक्शन में हो। तो इसको वाई कनेक्शन भी कहते हैं, स्टार कनेक्शन भी कहते हैं। तो इसलिए जब कभी आप देख लें कि ट्रांसफार्मर के से के साथ 4 वायर कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर की किसी टर्मिनल के साथ, जिस तरह आप मोहल्ले में देखते हैं ना, मोहल्ले के ट्रांसफार्मर में आपके मोहल्ले की तरफ 4 वायर निकल रही होती है, तो 4 वायर निकलने का मतलब ये है कि उस साइड पर आपके पास ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कन्फर्म है कि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, क्योंकि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में 4th वायर की जगह होती है, अदरवाइज हमारे पास न्यूट्रल लगाने का कोई तरीकाकार नहीं है डेल्टा कनेक्शन। तो ये तरतीब आपने जहन में रखनी है कि हमारे पास 3 वायर सिस्टम कहाँ पे यूटिलाइज होता है, जहाँ पे आपके पास ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगी होती हैं, उससे आगे आपकी जब 4 वायर सिस्टम शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर आपको स्टार कनेक्शन चाहिए होता है। जहाँ पे 3 वायर सिस्टम चाहिए होता है तो वहाँ पे आप स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टार की ये पॉइंट यूज़ करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेल्टा में आपके पास 4th पॉइंट जनरेट नहीं हो सकता, आप नहीं बना सकते। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होंगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कभी हम 3 वायर ले लेते हैं किसी लोकेशन पर, कभी कभार 4 वायर आ जाती हैं, तो ये कैसे आ जाती है। तो ये हमारे पास इसका मेथ है, इसका लॉजिक है कि लॉजिक के लिए आप कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास 3 वायर सिस्टम हम कैसे बनाएंगे और 4 वायर सिस्टम 3 फेज में हम कैसे बनाएंगे। तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम और 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ये 3 फेज एसी के टाइप्स में भी आते हैं कि 3 फेज एसी 2 तरीकों से कैरी किया जाता है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम की मदद से और 3 फेज 4 वायर सिस्टम की। सो ये आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप शेयर भी कीजिएगा ये वीडियोस, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सके और इलेक्ट्रिकल के बेसिक कंसेप्ट्स इनको समझ आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।